दोस्तों आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। अगर आपको आईडी बनानी नहीं आती तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आपको अलग स्टेट की जहां भी अप्लाई करना वहां की अलग आईडी बनती है। तो फ्रेश पासपोर्ट पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद जैसा कि आपको दिख रहा है बस सेम प्रोसीजर रहता है। अगर आप फ्रेश बना रहे हो तो वो आसान है, लेकिन मैं रिन्यू कर रहा हूँ तो मैं रिन्यू के लिए जो पासपोर्ट डिटेल पहले है वही यूज़ करूँगा और उसमें जो भी करेक्शन करनी है वो चीज़ मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट, उसके बाद आपको पूरी डिटेल आपकी भर लेनी है, जैसे कि पहले आपका नाम और उसके बाद आपका सरनेम क्या है, मेल है फीमेल है जो भी है वो आप यहाँ पे कर लेंगे। ये नो रहता है क्योंकि कभी नेम चेंज नहीं किया। डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट आप मतलब कि ये जो डाटा आप यहाँ पे भर रहे हो ना, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आपका। ये गलत होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और जो भी आप यहाँ पे भर रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आप देख लीजिए आपके सामने ही है, मैंने जो जो फिल किया है सेम आपको ऐसे ही फिल कर लेना है। रोक रोक के देख के भरना है, पूरे ध्यान से भरना है। और सबसे ज़्यादा ये रहता है कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आप 10th पास का सिलेक्ट करते हैं या फिर 10th पास से अबव का सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है उस पर लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा। अगर आपने 7th वाला सेलेक्ट किया है ना तो इट मीन कि आपके जो पासपोर्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि अगर इमिग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा है तो वो अनपढ़ का हो गया। अनपढ़ का नहीं होता भाई, वो अनपढ़ का मतलब कि ये समझ लो अनपढ़ का तो बनता ही नहीं है। वहाँ पे आपको इंग्लिश में साइन करने रहते हैं और इंग्लिश सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में करोगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको हिंदी में तो बिल्कुल भी साइन नहीं करने। उसके बाद पासपोर्ट वो आधार कार्ड नंबर भरना है और एग्री करना और सेव डिटेल कर लेना है। एक बार डिटेल को आप चेक कर लीजिए कि आपने जो भरा है वो ठीक से भरा है या नहीं, तो उसके बाद सेव कर लीजिए। देख लीजिए सेव हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको फिर से अपनी फैमिली डिटेल डालनी है, आपके फादर का नाम, मदर का नाम और जो भी आपके पास डिटेल अवेलेबल है। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस नेम डालिए, अगर आप मैरिड नहीं हैं मतलब अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने हस्बैंड का या फिर आपकी वाइफ का नाम डालना है, नहीं तो अगर अनमैरिड है तो ऐसे ही छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक और रहता है, अगर मान लिया 18 साल से कम है तो उसमें गार्डियन नेम भरा जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो सेव कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एड्रेस डालोगे ये वो वाला एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या ये क्या होता है कि इंक्वायरी हो जाते हैं, इंक्वायरी के बाद जो पासपोर्ट है वो आरपीओ ऑफिस में ही रहता है, रीजनल ऑफिस में ही पड़ा रहता है, क्योंकि उनका जो एड्रेस है वो पीछे या तो ज़्यादा स्पेस होता है या फिर वो गलत होता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो वहीं पर अटक जाता है। और ऐसे आपका स्टेटस है वो ऐसे ही दिखाएगा कि आपका आरपीओ ऑफिस में है या रीजनल ऑफिस में है, यही चीज़ शो करता रहेगा। और ये ज़्यादातर करेक्शन वाले फॉर्म्स जो होते हैं उनमें होता है। अगर फ्रेश में ये चीज़ आई है तो इट मीन आपका कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है आपके फॉर्म में, मतलब कि जब आप इंक्वायरी करने गए थे तो वहाँ पर इंक्वायरी में कई बार स्पेलिंग मिस्टेक लिख देते हैं जो पुलिस वाले होते हैं, या फिर मतलब मान लीजिए आपसे पूछते हैं, आपके सामने थोड़ा मिस्टेक हो गई ना तो समझ लो आपका आरपीओ ऑफिस में ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी ध्यान से भरना है डाटा, और जब आप वहाँ पे इंक्वायरी के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से एकदम चेक करके तो डलवाना डाटा, क्योंकि एक भी गलती आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगी, आपके चक्कर कटवा देगी। तो आप देख लीजिए मैंने पूरा एड्रेस फिल कर लिया है और जो जो चीज़ इन लोगों ने मेरे से पूछी थी तो मैंने फिल कर दिया। उसके बाद चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद क्या होगा, फिर से आपको सेव माई डिटेल करना है। ये सेव माई डिटेल आपको करते रहना है, क्योंकि पता है अगर नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी बार बार, क्योंकि डाटा सेव नहीं होता। तो नेक्स्ट पेज पे जैसे क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है, मतलब आप अपने आस पड़ोस का, अपने मित्र प्यारे का, किसी का भी नंबर दे सकते हो। ये तब यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपकी इंक्वायरी आई है, आपने फ़ोन नहीं उठाया, तब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो प्रीवियस डाटा में मैं पुराने पासपोर्ट की डिटेल डालूंगा, क्योंकि इस पासपोर्ट में सिग्नेचर हिंदी में हो गए थे ना,
तो अब उनको सिग्नेचर इंग्लिश में चेंज करने हैं, इसलिए मैं ये अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर रहा हूँ। तो इसलिए वो प्रीवियस डिटेल पूरी डालनी होगी। इनका पासपोर्ट तो अभी रिन्यू हुआ था लेकिन इन्होंने गलती से हिंदी में साइन कर दिया, तो अब इनको वीज़ा नहीं मिल रहा, इसलिए इंग्लिश में साइन करने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। तो पूरा पुराना डाटा फिल किया जाएगा जो भी पासपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है उसका, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भर रहा हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया हैंडल पे आप मेरे को DM भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेम डिटेल पे क्लिक किया तो नीचे भी सेम टू सेम भरना रहेगा। ये क्रॉस वेरीफाई करता है कि हमने जो डिटेल डाली है वो सही है या नहीं, क्योंकि क्या होता है कई बार एक जगह कोई डिटेल डालते हैं तो वो गलत भी हो सकती है, और दूसरी जगह फिर से हम देख के डालेंगे तो वो चेक कर लेता है। इसलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई आपकी दिक्कत है तो यहाँ पे यस होगा, फिर तो आपका पासपोर्ट बनेगा ही नहीं। तो ये सब के सब आपको नो ही करने होंगे, अगर नो नहीं करोगे तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये पासपोर्ट की कुछ मतलब कि प्री डिज़ाइन आ गया, ऐसा कुछ पासपोर्ट होगा। यहाँ पे भी आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे भी आपकी कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस पे क्लिक करके बैक जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है या DMC या जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और DMC, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर ऐसे इसमें दे रखे हैं पूरे के पूरे, तो आप ध्यान से देख लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो मैं आधार कार्ड ही सिलेक्ट करूँगा, और आधार कार्ड देने के बाद फिर यहाँ पे भी आपको जो डिटेल है उसको सेव करना रहेगा, ठीक है। तो डिटेल सेव कर देते हैं पहले, तो सेव हो गई है, उसके बाद हम करते हैं सबमिट, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट थे वो पूरा अच्छे से थे। उसके बाद फीस का ऑप्शन आता है, तो आप देख लीजिए मैंने SBI वाला सेलेक्ट किया, और नीचे आपको ना ये साइड में तो अपॉइंटमेंट अवेलेबल दिखा रहा, और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ की आपको लेनी है ना वो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे को जहाँ की लेनी है तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा, नीचे कैप्चर भर दूँगा। कैप्चर भरने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट मिल रही है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ना तो आपका इंटरनेट कट होना चाहिए और ना ही आपको बैक करना है। तो देख लीजिए मैं ज़्यादातर पेमेंट QR से करता हूँ, तो यहाँ पे QR दिखता है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जैसे करते हैं कर लीजिए। तो मैं QR से पेमेंट करता हूँ, आप देख लीजिए जैसे मैंने रिन्यू किया और मैंने नॉर्मल की ली है तो इसलिए यहाँ पे 1500 दिखा रहा है। अगर एक लॉस्ट होता है, एक डैमेज होता है, तो उसकी जो पेमेंट होती है वो अलग से होती है। अगर आपको ये जानना है कि आप पेमेंट कैसे काउंट करते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कैसे आप पेमेंट काउंट कर सकते हैं, किसकी कितनी होगी। तो आप देख लीजिए मेरी पेमेंट हो गई है, और इसको आपको बैक नहीं करना है, ये अपने आप ही लॉग आउट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। मेरा हो गया, मैं दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ ID को, और लॉगिन करने के बाद हमको लेना है उसका प्रिंट। तो अब देख लीजिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ ID को, फटाफट से कैप्चर भरते हैं। और एक बार फिर से बता दूँ, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देख लीजिए मेरा वो था, मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको एक बार पे एंड शेड्यूल पर जाना है, स्टेटस ट्रैक करना आपको, ये जो स्टेटस है और यहाँ पर पेंडिंग रहता है, एक बार उसको वेरीफाई कर लेना है, स्टेटस होगी, उसके बाद शेड्यूल अपॉइंटमेंट होगी। काफ़ी लोग उलझ जाते हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिए मेरी जो सेम थी वही अपॉइंटमेंट यहाँ पे आएगी, ये देखो। और ये आपको जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो ये डेट आगे निकलती रहती है। तो मैसेज भी चला गया, और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी प्रिंट होगी। और एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर आपको पूरा प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो फर्स्ट पेज होता है वही आप प्रिंट कर लीजिए, वही काफ़ी है।